सुन, तुम भी नारी हो, मैं भी एक नारी हूँ, और नारी अर्थात हर स्त्री को अपने घर गृहस्थी का काम आना चाहिए। आदर्श नारी वही होती है जिसको घर का चौका बर्तन, साफ सफाई, परिवार की देखभाल, बड़ों की सेवा और पति की सेवा के साथ हर आज्ञा का पालन करना आना चाहिए। इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जिस स्त्री को ये सब नहीं आ रहा है तो उसके माता पिता को ताने देते हैं और कहते हैं, पता नहीं इसको माँ बाप ने क्या सिखाया है। ला, ला मुझे दे, आज मैं सफाई करती हूँ। अगर रानी जी ने देख लिया तो हम बहुत नाराज हो जाएंगी। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह प्यारी प्यारी नाच उठे बन उपवन फूल प्यारी प्यारी आज तपो भूमि पवित्र हुई सारी। आज तपो भूमि पवित्र हुई सारी। आज तपो भूमि पवित्र हुई सारी। धरती आकाश गगन जब से आए राम लखन धरती आकाश गगन दुष्टों का करके दलन बिकता हरि सारी। दुष्टों का करके दलन बिकता हरि सारी। आज तपो भूमि पवित्र हुई सारी। आज तपो भूमि पवित्र हुई सारी। आज तपो भूमि शवर, भील, निशाह और आर्यों को देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। अब मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए मैं तुम्हें राजमहलों से वनों में लाया हूँ वो अब पूरा होने जा रहा है। जिस लिए तुमने पृथ्वी पर जन्म लिया है अब वो सार्थक होने जा रहा है। श्री पश्चिमी सीमा चौकी पर तैनात सेना नायक बहुलाश्व हूं। मैं सेना नायक का पुत्र देवप्रिय हूं। मैं उपनायक पृथु सेन। सूचना मिली कि आप मेरे अधिकार क्षेत्र में पधारे हैं तो सोचा वस्तु स्थिति का सही सही ध्यान आपको करा दूं। आप प्रथम बार पधारे हैं तो ये तुच्छ भेद स्वीकार कीजिए। नहीं, अस्वीकार। और सारी स्थिति की सही सही जानकारी मैंने स्वयं प्राप्त कर ली है जिसके अनुसार आप पर भ्रष्टाचार, अनाचार और जन सुरक्षा में लापरवाही दिखाने का आरोप है। यह आरोप मिथ्या है, बनावटी नहीं युवराज। इन लोगों ने आपके कान भर दिए हैं। गहन, आगे आओ और बताओ कौन कौन से अपराध किए हैं इन्होंने। यही हैं जिन्होंने राक्षसों के साथ मिलकर निषादों को लूटा, उनके झोपड़ों में आग लगाई। यही तो है जिन्होंने मेरे पिता को आग की लपटों में धकेल दिया था। प्रभु, मेरी माँ, पत्नी और बहन पर अमानवीय अत्याचार करने वाले यही हैं। प्रभु, ये मनगढ़ंत कहानी है। इस तरह के दुष्कार्य तो राक्षस करते हैं, आर्य नहीं। मुनिया जान बाबू, आप भी सामने आइए और विगत सप्ताह की घटना बताइए। प्रभु, सुंदर और कोमल स्त्री थी महर्षि गौतम, बड़े कर्म कांडी और धर्म परायण इनके पति थे। एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय
गंगा स्नान करने को चले गए तो इनके रूप पर मोहित होकर ऋषि का रूप बनाकर इनके घर चला आया। अवश्य कोई छल हुआ है। जाओ तुम अपने आश्रम लौट जाओ, अभी अर्ध रात्रि है। जैसी आज्ञा। अहिल्या का किस प्रकार उद्धार होगा? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भावन का पाप है और चरण रस देकर इसे भव सागर से पार करो। जैसी आज्ञा।
धन्य है नारद, आपकी पति पावनता को धन्य है। मैं नारी अपावन प्रभु जगत